Hello and assalamu alaikum everyone, this is Nara Fan Khan and welcome back to my channel. I hope you all are doing super great. I'm really sorry, main kahan gaya thi, maine koi video nahi banayi, due to some personal issues main videos nahi bana payi. To maine socha ki aaj kyun na main video banau aur aap sab logon ko Ramzan ki ek to main mubarakbad dun aur aap logon ko kahun sabko matlab Ramzan kareem ki bahut mubarak aap sab logon ko. So aaj ka jo mera topic hai video ka, it is really simple. आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाली हूँ रमज़ान के मुताबिक और रमज़ान से रिलेटेड आपको किस तरह से अपनी सहरी करनी चाहिए, इफ्तार करनी चाहिए एंड व्हाट यू कैन डू टू नो फील मच मोर एनर्जाइज. तो दे आर सम टिप्स जो कि अगर आप अपने रमज़ान रूटीन में शामिल करें तो उससे आपके ना तो वेट लॉस होगा, इसके अलावा वेट लॉस के अलावा आप पूरे दिन एनर्जेटिक भी फील करेंगे. सो देर आर सम टिप्स. तो मैंने जो टिप्स हैं वो मैंने अपने यहाँ पे लिख के रखी हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो जो पहली जो टिप है दैट इज़ हेल्दी सहरी. आप लोगों को पता ही है कि अगर जो है रमज़ान है तो हमारे एक तो सहरी होती है और दूसरा इफ्तार होता है. तो सहरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील. अगर आप रोज़ा रख रहे हैं रमज़ान में, सहरी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि वही मतलब सहरी आपको जो है पूरे दिन के लिए आपको एनर्जाइज करके रखती है. आपको जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशंस होते हैं वो आपको सहरी से मिलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सहरी में कोई भी इसको कहते हैं कि ऑयली फूड आपने नहीं लेना है. आपने कुछ भी ऐसा नहीं लेना है जिसकी वजह से आपको प्यास लगे. आप चावल मत खाएँ सहरी के अंदर, बहुत लाइट रखें अपने सहरी को. आप स्मूदीज ले सकते हैं, आप जूसेस पी सकते हैं, आप शेक्स भी पी सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि प्लीज़ आप जो है कोई भी फ्राइड स्टफ मत खाना. उसके अलावा आप कोई शुगरी स्टफ मत खाना और कोशिश कीजिएगा कि आप सहरी में ओट्स ले सकते हैं. आप प्रोटीन बेस्ड जो फूड होता है, अंडे आप खा सकते हैं, हाफ फ्राई आप ले सकते हैं, वो भी बहुत कम ऑयल में बना हुआ. दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको पता ही है कि रमज़ान में बहुत सारे लोगों का यही मानना होता है कि यार सहरी भी है, इफ्तार भी है, खाना भी है. तो जहाँ आप रोज़ा रख रहे होते हैं, जहाँ पे आप एक वक्त खाना छोड़े होते हैं, पानी छोड़े होते हैं, तो उसके साथ साथ आप इफ्तार में सब ऐसे टूटते हैं जैसे पता नहीं क्या है. सो एनीवे सहरी में आपने बहुत लाइट खाना है, बहुत अच्छा खाना है. आप पराठा ले सकते हैं कम ऑयल का, आप ओट्स ले सकते हैं, आप इसके साथ साथ आप दही ज़रूर लीजिए क्योंकि दही से जो है योगर्ट से होता यह है कि आपको पूरे दिन से जो है प्यास नहीं लगती है. इवन जब मैं सहरी कर रही होती हूँ तो मैं मस्ट है मेरा कि मैं योगर्ट ज़रूर लेती हूँ क्योंकि आई फील आपको जो है सहरी में अगर आप योगर्ट लेते हैं तो आप लोगों को पूरे दिन प्यास नहीं लगती है. आपने शुगरी स्टफ नहीं खाना है, आपने ऑयली फूड नहीं खाना है, आपने चावल नहीं खाने हैं सहरी में क्योंकि चावल आप खा तो लेते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद आपको वैसे भी प्यास लगती है और कुछ टाइम बाद आपको प्यास के साथ साथ फिर आपको थोड़ा यू नो खाली सा फील होने लगता है. सो बेस्ट ये है कि आप ओट्स ले सकते हैं, बेस्ट ये है कि आप पराठा खा सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, कोई पुराना मतलब रात का बना हुआ सालन खा सकते हैं. तो कोशिश कीजिए कि लाइट लीजिए अपना फूड और बस ये ऑयली स्टफ से दूर रहिए. स्मूदीज ले लीजिए, मिल्क शेक आप ले सकते हैं, दही की लस्सी ज़रूर ले सकते हैं, नमकीन लस्सी ले सकते हैं. ये सब आपको काफ़ी देर के लिए फुल रखेंगे और कोशिश ये कीजिए कि सहरी में ढेर पानी पीने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप एक ऊँट नहीं है जो पानी अपने स्टोर कर सके अपनी बॉडी में, ऐसा नहीं है. तो कोशिश कीजिए कि मॉडरेट अमाउंट में खाइए, ठीक है, और आप दूध भी पी सकते हैं सहरी में, इट्स अ गुड ऑप्शन. मैं इसको मना नहीं करूँगी, वैसे मैं नहीं पीती, मैं लस्सी या दही की तरफ ज़्यादा मेरा जहन रहता है, ठीक है. तो पहली जो टिप है वो हो गई हेल्दी सहरी. उसके बाद जो हाँ नेवर स्किप सहरी. अगर आप अपने रमज़ान के साथ साथ स्पिरिचुअल जो उसके बेनिफिट्स हैं उसके साथ साथ अगर आप अपने वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ सहरी मत छोड़िए. सहरी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू जब आप रोज़ा रख रहे होते हैं या रमज़ान में. सहरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपको पूरे दिन के लिए एनर्जाइज करके रखती है, ठीक है जी. उसके अलावा सो द सेकेंड टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ दैट इज़ हेल्दी इफ्तार. या इफ्तार इज़ अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट मील.
आपके रमज़ान का, रोज़े का, क्योंकि आप इतना लंबा जो है आपका गैप आता है खाने का। तो उसके बाद जब इफ्तार होती है तो इफ्तार में आप एकदम से शुगरी स्टफ़ खा लेते हैं, आप ऑयली स्टफ़ बहुत खाते हैं। इफ्तार में इतना ऑयली खाना बनता है, पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, दही बड़े, मीठे मीठे दही बड़े खा रहे होते हैं लोग, छोले, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बट अगर आप उसको शुगर इनटेक आप ज़्यादा कर रहे हैं इफ्तार के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी डल हुई हुई होती है, आपका शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है इफ्तार होने तक। तो इट्स बेटर कि आप खजूर से रोज़ा खोलें, दैट इज़ सुन्नत एज़ वेल, ठीक है। उसके बाद आप पानी पिएं, कोशिश ये करें कि सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहें, जूसेस से दूर रहें, बेहतर यह है कि पानी पी लें, ठीक है। चाहे तो लेमोनेड ले सकते हैं, बट उसमें भी मैं कहूँगी कि बेस्ट ऑप्शन पानी ही है, क्योंकि वो होते 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 फिर पानी के साथ साथ उसके बाद फिर आप शेक्स पी लेते हैं, स्मूदीज, स्मूदीज नो, स्मूदी नहीं लीजिए आप इफ्तार में, आप बस पानी पी लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा आप डल हुए होते हैं उसके बाद। सो इट्स बेटर कि अपनी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, थोड़ा सा बकअप करने के लिए, थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए, इट्स बेटर कि आप खजूर से रोज़ा खोलिए, उसके बाद फिर आप पानी पीजिए, उसके बाद आप रोटी खा सकते हैं। आप प्लीज़ सारे ऑयली चीज़ों को दूर रखिए अपने आप से, बेस्ट है इस रमज़ान में। अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए कि मैं कोई ऑयली स्टफ़ नहीं खाऊंगा, मैं बहुत लाइट खाना खाऊंगा। और हाँ, एक ऑप्शन ये भी है कि इफ्तार में आप डायरेक्टली खाना खा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन मैं तो ये कहूँगी कि आप इफ्तार में खजूर रखिए, अगर आपको इफ्तार का बहुत ही एक मज़ा लेना है, या एक इफ्तार को आपने बहुत ज़्यादा मेन एक ऑप्शन रखना है, तो आप ये कीजिए कि कोई एक चीज़ इफ्तार के लिहाज से, जैसे कभी पकौड़े बना लिए, कभी फ्रूट चाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपके जो बॉडी है उसको एकदम से एक्टिव करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें भी शुगर कम रखिए, चाट मसाला हल्का डाल लीजिए, थोड़ी सी कम शुगर रख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम से अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो कम कर दीजिए, ठीक है। और कोशिश ये कीजिए कि आप खाना आप खा सकते हैं इफ्तार में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इफ्तार में खाना खाइए, और जो भी आपका दिल चाहता है आप वो डिश बना लें, और बेहतर ये है कि आप खाना खा लें इफ्तार के अंदर। अच्छा, सेकंड ऑप्शन ये है, इससे अच्छा होगा ये कि आप जब खाना खा लेंगे तो आपके पास सहरी से, इफ्तार से सहरी तक का एक बहुत एक आपको लंबा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सहरी तक के लिए आपके पास ऑप्शन होगा कि अब आप सहरी में खा सकते हैं, क्योंकि होता है ये इफ्तार में आप बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खा लेते हैं, इफ्तार में आप बहुत उल्टी सी चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दोबारा भूख लगती है, तो अब खाना खाते हैं, उसके बाद 2 घंटे बाद आप सहरी कर रहे होते हैं। इतनी सारी चीज़ें एक साथ खाना, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। तो बेहतर ये है कि इफ्तार में आप खाना खा लीजिए, वेरी 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 गुड ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, शुगर इस सबको बिल्कुल ख़त्म कर देना है, आप क्या कर सकते हैं इफ्तार के अंदर, आप कबाब ले सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, लाइट पुलाव बहुत अच्छा होता है वो आप बना सकते हैं, चावल आप खा सकते हैं इफ्तार के अंदर, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील, क्योंकि क्योंकि उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, आपको प्यास लगेगी तो आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि चावल खाने के बाद, राइस खाने के बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, उसके अलावा आप कबाब ले सकते हैं, कोई अच्छा सा सालन बना सकते हैं, और वो आप खा सकते हैं रोटी के साथ। प्लीज़ पराठों को अवॉइड कर दीजिए, प्लीज़ पकौड़ों को, समोसों को, और जो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, ब्रेड ब्रेड पेटी इस टाइप की चीज़ें, वो सब अवॉइड कर दीजिए। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं रमज़ान में, अगर आप उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के साथ फिज़िकल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। डायरेक्टली आप खाना खा लीजिए, बेस्ट है, ठीक है जी। उसके अलावा आप हाँ पानी पीजिए, पानी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, पानी के साथ साथ आप लेमोनेड ले सकते हैं, चिकन जुबिन बना सकते हैं, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी हेल्दी ऑप्शन इज वेल, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे ये कि आपने इफ्तार से लेके सहरी तक का जो आपका टाइम है, आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे, ठीक है। थ्रू आउट द डे तो नहीं हो पाएगा,
आपने जो इफ्तार से लेके सहरी तक का टाइम है, आप कोशिश कीजिए कि आप 2 लीटर नहीं तो कम से कम 1 लीटर पानी तो ज़रूर पीजिए। 1 लीटर इज इक्वल टू 4 ग्लासेस, ठीक है? तो 4 ग्लास पानी ज़रूर लीजिए, 4 से 5 ग्लास पानी, ठीक है? क्योंकि इफ्तार के बाद आपने तरावी पे भी जाना होता है, इबादत भी करनी होती है, नमाज़ें भी पढ़नी होती हैं। सो अच्छा है कि आप पानी ज़रूर पीजिए अपनी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए पानी इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। और पानी आपके बॉडी का 70% हिस्सा पानी कवर करता है, तो प्लीज़ पानी ज़रूर पीजिए रमज़ान में। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो पानी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है? अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पियेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा आराम से, ठीक है? तो ये चीज़ है, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, स्टे हाइड्रेटेड। और इसके अलावा सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स गुड कि आप जो है इबादत कर रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप सारी रात इबादत कर रहे हैं, इट्स रियली गुड, बट आपकी बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिए कि रेस्ट कीजिए ज़्यादा, इबादत कीजिए, रेस्ट कीजिए थोड़ा कम। ये कर लीजिए कि रमज़ान है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा इबादत करना चाहते हैं तो रेस्ट कम कीजिए, बट कीजिए ज़रूर। ये नहीं कि बिल्कुल आप इबादत करने लगे हैं या आप बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है, आपको अपने जहन का भी ख्याल रखना है, अपनी आँखों का, अपने खाने पीने का, हर चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी? तो सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इफ्तार के बाद तरावी नमाज ये सब पढ़ें, उसके बाद फिर आप चाहें तो आप हल्का फुल्का सा खाना खा सकते हैं, हल्का लेकिन ज़्यादा यू नो भारी चीज़ें, ठीक है? अगर आप इफ्तार हल्की कर लें तो खाना खा लें, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इफ्तार में ही खाना बना लें, ठीक है जी? ये खाना खा लें, उसके बाद फिर आप लाइट बहुत फील करेंगे, पानी पी लीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ठीक है? बेस्ट ऑप्शन है। और इफ्तार के बाद, तरावी के बाद, अपने अस्कार करने के बाद कोशिश कीजिए कि सो जाइए, उसके बाद फिर आप सहरी में उठिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि रमज़ान में सोना भी इबादत है, क्योंकि आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी सवाब है। सो कोशिश कीजिए कि अगर आप बहुत थक गए हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद फिर सहरी में उठिए और फिर सहरी कीजिए अच्छे से, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप अपनी बॉडी से, मतलब आप अपने खाने पीने से शुगर को, फैट को कट डाउन करें, सिंपल रखिए। जो आपका जो मेन पर्पस है वो इबादत है, उस पर फोकस रखिए, खाने के ऊपर मत जाइए कि ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्लीज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। चाय आप इफ्तार के बाद पी सकते हैं, अगर आप बिल्कुल ही शुगर को कट डाउन नहीं कर सकते हैं तो चलें, ठीक है? आप चाय के अंदर थोड़ी सी शुगर ले सकते हैं, ठीक है? बाकी सब चीज़ों में शुगर को अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद बात आती है सॉल्ट इनटेक की, सॉल्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि सॉल्ट की वजह से आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है? तो सॉल्ट इनटेक को कम कर दीजिए। उसके अलावा जो कॉफ़ी है, कैफीन है, उसको अवॉइड कीजिए। सो दीज आर लिटिल लिटिल छोटी छोटी सी टिप्स जो कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में या अपने मतलब रमज़ान के इस रूटीन में आप शामिल करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड यस, इफ्तार करके लेट मत जाइए, प्लीज़ थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, चाय पी लीजिए, उसके बाद वॉक कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लें, बेस्ट है। प्लीज़ इफ्तार करने के बाद, सहरी करने के बाद एकदम से लेट मत जाइए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं रमज़ान में भी, रोज़ों में भी, तो प्लीज़ में अपने आप को एक्टिव रखिए, चलते फिरते रहिए, कोई ना कोई काम करते रहिए, ठीक है? दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। तो ये मेरे कुछ टिप्स थी, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो प्रे सून। टिल देन बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। I wish you all a very, 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 very happy and healthy life. Till then, take care. Bye-bye.